सो हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विश्व डिजाइन। सो गाइस आज के इसी एडिटिंग ट्रिक में मैं बताने वाला हूँ बॉयज के लिए एडिटिंग और गर्ल्स के लिए एडिटिंग, एक ही एडिटिंग को आप लोग दो लोग कैसे कर सकते हो। तो गाइस में मैटर नहीं करता कि मतलब आपका फोटो मोबाइल का है या फिर DSLR का है। तो गाइस में मेन मैटर जो करता है कि आपका फोटो डार्क में होना चाहिए और थोड़ा सा अंधेरा टाइप में होना चाहिए और वहाँ पे लाइटिंग होनी चाहिए। तो गाइस कुछ इस तरह का आप लोग फोटो देख सकते हो, कुछ एक फोटो जो मोबाइल का है जो कुछ इस तरह का है, एक जो फोटो है वो DSLR का है जो कुछ इस तरीके से है। तो गाइस मैं आपको एडिट करके बताने वाला हूँ, जैसे कि आप ये थंबनेल देख सकते हो कितना ऑसम प्यारा लग रहा है। तो गाइस इस एडिटिंग को आज मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा जो मैं पिकार्ड यूज करके करने वाला हूँ। और गाइस एक खास बात यार, अगर आप तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप मुझे जाके फॉलो कर लो। तो चलिए गाइस बिना लेट किए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा फोटो पिकार्ड में आ चुका है, मतलब मैंने पिकार्ड में इसको शेयर कर लिया है। पिकार्ड में शेयर करने के बाद गाइस मैं आऊँगा टूल वाले ऑप्शन पे। टूल वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस मैं यूज़ करूँगा एडजस्ट वाले ऑप्शन को। एडजस्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करने के बाद गाइस जो सेचुरेशन है इसको मैं माइनस में रखता हूँ। माइनस में रखने के बाद गाइस जो इसका कॉन्ट्रास्ट है इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूँगा, सॉरी गाइस इसको डिक्रीज कर दूँगा, माइनस में रखूँगा। माइनस में रखने के बाद गाइस यहाँ से मैं इसको डन कर दूँगा। डन करने के बाद गाइस फिर हम आएंगे टूल वाले ऑप्शन पे, और टूल वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर हम एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस जो क्लैरिटी है इसको थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के बाद फिर से जो इसका कॉन्ट्रास्ट है इसको हम माइनस में रखते हैं, सॉरी गाइस इसको इंक्रीज करके रखते हैं। इंक्रीज करने के बाद गाइस यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। गाइस डन करने के बाद जो मेरा प्रोसेस होगा, हम आएंगे ब्यूटी वाले ऑप्शन पे। ब्यूटी वाले ऑप्शन पे आने के बाद मैं क्लिक करूँगा स्मूथनेस को। स्मूथनेस पे क्लिक करने के बाद गाइस जो आपका फेस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं इसको फेस को स्मूथ कर दिया हूँ। थोड़ा जो बीच वाला ये मतलब आइज वाला पास, आइज का जो पार्ट है वो बच गया था, तो मैं इसको ब्रश से यूज करके मतलब इसको स्मूथ कर लेता हूँ। तो फिर से गाइस यहाँ से मैं इसको डन कर दूंगा। डन करने के बाद गाइस फाइनली आप देख सकते हो फोटो में क्लैरिटी और कितना अच्छा ब्लैक एंड वाइट भी हो गया, फोटो प्यारा भी लग रहा है और ऑसम भी लग रहा है। उसके बाद गाइस जो मेरा शैडो के लिए जो एडिटिंग होने वाली है उसके लिए मैं एक PNG यूज करूंगा। जो PNG मैं यूज करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइस ये रहा मेरा जो PNG है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद गाइस सबसे पहले तो हम इसका आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना। फिलहाल तो मैं इसको इसका कुछ साइज इससे कर लेता हूँ, उसको कुछ इस तरीके से मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद गाइस इसका जो ओपेसिटी है उसको मैं कम कर दूंगा और यहाँ पर इसको ऐसे रख दूंगा। रखने के बाद गाइस जो मेरा प्रोसीजर है इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर ले रहा हूँ। आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग इसका जो एडजस्ट है मतलब ओपेसिटी, आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना, ओपेसिटी भी मैनेज कर लेना, कंट्रोल कर लेना। तो गाइस इतना करने के बाद यहाँ से मैं इसको डन कर दूंगा। ऐसे गाइस अगर आप बॉयज का भी फोटो हो तो आप लोग बॉयज का भी फोटो कुछ इजीली इस तरह से कर सकते हो। एक छोटा सा PNG लगा कर अपने फोटो को आप लोग परफेक्ट बना सकते हो। तो गाइस फाइनली आपका फोटो प्रिपेयर हो गया है। तो गाइस अगर सच में यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और यार मोर अपडेट रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।